तो भाई लोग, क्या हाल चाल? आप केवल लड़की की मेरी पोली एंड टेंशन को मार दो गोली, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लेकर आ चुका है फिल्मी टॉक विद आरू का एक और बेहतरीन एपिसोड। फिल्मी दुनिया से रिलेटेड जो भी न्यूज होता है उन सब का डिस्कशन हम इसी वीडियो के अंदर करते हैं। आज भी मेरे पास काफी बड़ी बड़ी एंड काफी बढ़िया बढ़िया अपडेट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। तो पहले जो अपडेट है वो है अपने पुष्पा राज को लेकर। जी हाँ, पुष्पा 2 पोस्टपोन हो चुकी है। बताते हुए दुख हो रहा है, बहुत यकीन नहीं हो रहा था बिकॉज पहले भी रूमर फैला था, बट हाँ भाई अभी टीजर एंड 2 गाने आने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के कारण ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है। और अक्की पाजी की एक मूवी आने वाली है खेल खेल में, 15 अगस्त को उसको सरका दिया गया। भाई अक्की पाजी की एक और मूवी आने वाली है? अबे क्या मतलब अक्की पाजी? अभी तो तुम यार वो जुलाई के अंदर लेकर आ रहे हो ना वो सरफिराजो की सूरा राई पोत्रु का रिमेक होने वाला यार, एंड अभी तुम फ्लॉप देने के बाद फिर से भाई महीने महीने के अंदर मूवी निकाल लो, मतलब क्या कर रहे हो यार? वही काम कर दे यार, तुमने तो यार जो रिसेंटली तुम्हारे साथ हुआ था इतनी बड़ी फ्लॉप, क्या बोलूं यार मैं तुमको, क्या बोलूं यार। बाकी जॉन अब्राहम की जो वेधा मूवी है वो भी 15 अगस्त को ही सरका दी गई है। अब देखते हैं क्या कुछ होगा, एंड पुष्पा तो देखते हैं कब आएगी, कब किसकी सांस अटकाएगी। खैर अगली जो अपडेट है उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए। जी हाँ, स्त्री 2 सभी को बताएगा, इसका टीज़र रिलीज हो चुका है। ऐसे नहीं भाई, मुंजा देखने जाओगे तब दिखेगा। हाँ भाई, थिएटर्स में लगाया जा रहा है, मैंने देख लिया है, मैंने भी ऐसे ही देखा जैसे तुमने देखा है। हाँ हाँ, जो अभी फैला हुआ थिएटर में नहीं, ओके, बट मज़ा आ गया देखकर। सभी कैरेक्टर फिर से दिख रहे हैं, अपने भाई राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा, एंड भाई इस बार स्त्री का आतंक और ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड एक फनी डायलॉग बोल रहे थे राजकुमार भाई की, आपकी चुटिया काटती थी तेल लगा दूंगा तो सही आ जाएगी। तो भाई मज़ा आ रहा देखकर, वही कॉमेडी, वही सस्पेंस, वही क्रिएटिविटी फिर से होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मूवी जो है 15 अगस्त को आने वाली है। पहले तो भाई ये और आगे सरकी हुई थी, बट अभी इसको जल्दी रिलीज करेंगे, ये अच्छी बात है। चलो पुष्पा पोस्टपोन होगी, साइड हटो, बट ये तो आएगी भाई। एंड वेधा से हमें मतलब नहीं है, खेल खेल में हमको मतलब नहीं, ये आनी चाहिए। अगली जो अपडेट है भाई वो है चंदू चैंपियन को लेकर। सभी को पता है भाई कार्तिक आर्यन की एक स्पोर्ट्स ड्रामा वाली मूवी थिएटर्स के अंदर आ चुकी है। रिव्यू अगर देखना तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इसके कलेक्शन जो पहले दिन के सामने आए हैं, जिसकी ओपनिंग सामने आई है, बताते हुए भाई काफ़ी हो रहा है। एक बायोपिक होने के बावजूद भी भाई इस मूवी ने काफी कम ओपनिंग ली है। जी हाँ, सिर्फ 5 करोड़ मुश्किल से बन रहे थे भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। हंसता का आएगा अरे पोर्स, मतलब जो भाई इसको पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, एंड 140 करोड़ का बजट है भाई, मुश्किल लग रही है अभी तो। भाई देखते हैं क्या कुछ होगा, ये चंदू चैंपियन बनेगा अभी या फिर चंदू रह जाएगा, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा भाई, बढ़िया मूवी तो है ये। अगली जो अपडेट है भाई वो है विष्णु मांचू की अपकमिंग मूवी कानाप्पा को लेकर, जिसका कि टीज़र रिलीज हुआ है। एंड ऑल ओवर बोलूँ तो टीज़र ठीक लगा मेरे को, मतलब ये एक एक्शन पीरियड ड्रामा मूवी होगी, एक योद्धा विष्णु मांचू ऐसा कनप्पा इसमें होगी, उसकी स्टोरी वगैरह दिखाई जाएगी, इतना कुछ तो नहीं आइडिया लग रहा है। एंड ठीक ही भी लग रहा है टीजर, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं मैं बोलूँगा, फास्ट पेस सा लग रहा है, लोकेशन भी ठीक ही लग रही है अभी तो। एंड इस मूवी के लिए मैं एंड बहुत से लोग इतने एक्साइटेड नहीं है जितने इसके कैमियोज को लेकर है। बताया जा रहा है कि भाई इसके अंदर अपने डार्लिंग प्रभास का एडा लॉर्ड शिवा मतलब कैमियो होगा, एंड इसके अंदर अक्की पाजी का भी कैमियो हमको देखने को मिलने वाला है। एंड प्रभास की आंखों की एक आधी झलक दिख रही थी शिव के लुक में, एंड भाई अपने अक्की पाजी की भी दिख रही थी। अब आई डोंट नो या दोनों को इनको दिखाया जाएगा इसके अंदर, या तेलुगु वालों के लिए प्रभास एंड यहां के लिए अपने हिंदी वालों के लिए अक्की पाजी, देखते हैं क्या कुछ होगा। बाकी दोनों दिखा दो तो बढ़िया ही है, बट दोनों शिव जी अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, ट्रेलर वगैरह आएगा उससे स्टोरी भी बताएंगे, फिलहाल तो टीजर ओके ओके है, मतलब ओके ओके बोल सकते हैं, बजट इसका भी काफ़ी हाई है। अगली जो अपडेट है वो है भाई सिंघम अगेन को लेकर। बहुत सी हाना हाना होने के बाद फाइनली भाई सिंघम अगेन का जो है हमको रिलीजिंग डेट पता चल चुका है। जी हाँ, दिवाली के दिन ये मूवी आएगी 2024 में, एंड इस दिन भूल भुलैया 3 भी आने वाली है, तो भिड़ंत होगी आपस में। अब मुश्किल है यार, मतलब ये तो एक पोस्टपोन नहीं होगी, बट उसकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है बढ़िया, इसकी भी तो हो सकती है। अगली जो अपडेट है भाई वो है कल्कि को लेकर। जी हाँ, कल की मूवी की मतलब छोटी छोटी अपडेट पाने के लोग तरस रहे थे, ट्रेलर देखने के बाद हर कोई एक्साइटेड इस मूवी के लिए।
लाइक टहल इंडिया ऐसी मूवी जिसके अंदर इतना तगड़ा डिस्टोपियन वर्ल्ड, इतने तगड़े VFX विजुअल्स, 600 करोड़ लोगों को देखने बढ़िया जगह लगे हैं नहीं, बट ट्रेलर से आइडिया लग रहा है बढ़िया जगह लगे है। अच्छी बात यह है कि इसका सॉन्ग, पहला सॉन्ग जिसको इंडिया का बिगेस्ट सॉन्ग बोला जा रहा है, वो कल के दिन रिलीज होगा। आज इसका प्रोमो रिलीज हुआ है, दिलजीत भाजीगस में गाना होगा। भाई मेरे को पता नहीं था यार, एकदम से बहुत तगड़ा मतलब एक्साइटमेंट हुआ कि भाई डिस्टोपियन वर्ल्ड में एक पंजाबी सॉन्ग, मतलब भैरवा का एंथम, भैरवा एंथम कुछ गाना का नाम है, एंड देखते हैं कल के दिन सुनने में कैसा कुछ होगा। बढ़िया वाइब दे रहा था पंजाबी वाली, एंड बढ़िया भाई नागार्जुन सर ने सही काम किया है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो मेक श्योर आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लोग।